अगर आपको लगता है कि आज जो पेशावर जर्मी की लाठी थी दैट वाज स्पेशल स्पिनर जो आपने मुझे मिस किया बाबर। पेशावर के फैंस जो हैं वो देखना चाहते हैं कि आप एज ए कैप्टन पेशावर जलमी को ट्रॉफी जितवाएं, तो उसके लिए उनको क्या पैगाम देंगे, क्योंकि पहला मैच था, आज ओपनर था, तो हार गए, फैंस काफ़ी मायूस हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उनको? जितना जल्दी करेंगे, क्योंकि स्टार्ट अच्छा देना बहुत जरूरी है।
पैथिस ने अच्छी बॉलिंग की, अच्छी बैटिंग की है, लेकिन एज ए टीम हमें और अच्छा इम्प्रूव करना पड़ेगा और ट्रॉफी जीतने के लिए आपको हर तीनों शोबों में अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी, यानी कि बैटिंग और बॉलिंग, फील्डिंग भी बड़ी मैटर करेगी क्योंकि क्रूशियल टाइम पे कैचेस आप जब छोड़ेंगे तो फिर जाना मुश्किल है। बाबर पेशावर की बॉलिंग हमेशा कैसे खेलते हैं सामने और मैं बड़े भाई कह चुका हूँ कि ये वो ग्राउंड है जिसपे मैं एज अ गोल कीपर आया था और मुझे आज भी वो याद है कि आज आप पूरा स्टेडियम आपका नाम ले सके मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। बाबर कवर ड्राइव आपकी ट्रेडमार्क शॉट है और आज हमने देखा है कि आपने 360 खेला है और बड़ा अच्छे तरीके से लेग साइड पे भी खेला, छक्के भी लगाए, तो इस पे कितना काम कर रहे हैं और कितने काम करने की जरूरत है 360 खेलने के लिए? और दूसरी, जिस तरह ये अभी होम क्राउड की बात हुई थी, सारे टीमों के पास अपने अपने ग्राउंड हैं, अपने अपने शहरों में उनके मैचेज होते हैं, पेशावर में आप समझते हैं कि अगर होता तो इसका इम्पैक्ट कुछ और होता? देखें, जब भी आप कोई टूर्नामेंट या कोई भी सीरीज खेलते हैं या नहीं खेलते तो उसमें आप कोशिश करते हैं इम्प्रूवमेंट, हर बारी आपको इम्प्रूवमेंट लाने के लिए कुछ ना कुछ डिफरेंट करते हैं, उसके लिए सॉरी प्रैक्टिस है, हार्ड वर्क क्या आपको रिक्वायर्ड है। देखिए, मेरी जो गेम है मुझे उसकी उसका मुझे नॉलेज हाँ उसको मैंने और उसमें क्या एडवर्ट करना है उसके लिए उसमें भी हमें बहुत अच्छी सपोर्ट मिलती है, इवन तो पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे भी मैच हो हर बार सपोर्ट मिलती है और हमें फैंस जो हैं वो चेयर करते हैं। बाबा भी आसिफ अली सातवें नंबर पे चले गए, मुंबई से भी नीचे, क्या प्लान था? और दूसरा ये कि मोहम्मद हारिस जिन्होंने डाइव किया था उनके सर पे भी लगा, बैटिंग करते हुए आते भी वो शोल्डर को दबा रहे थे, क्या वो ठीक है? जी हारिस सही है, देखिए वो सर जब लगता है थोड़ा सा कंकशन का थोड़ा सा होता है ठीक है, थोड़ी सोलस तो होती है। देखिए वो प्लान ये था कि हमने उसको डीप लेके जाना और वो इस नंबर पे वो बहुत अच्छा खेलता है, जब सिचुएशन जो ऐसी आती है उसमें आपने जितने बारी भी देखा है वो सिचुएशन में बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज बोले कम थी और ग्रांडेड ज़्यादा था, लेकिन हमने सिचुएशन के हिसाब से वो लेफ्ट राइट का जो कॉम्बिनेशन था वो भी हमने इसी वजह से किया था कि लेफ्ट राइट का जो कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा सा बॉलर्स को भी डिस्टर्ब करता है। बाबर जैसे मोहम्मद आरिस को हमने देखा कुछ अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन आप शुरुआत है आपको पहले मैच में शिकस्त हुई, क्या आने वाले मैचेस में हम देख सकते हैं कि आसिफुल्लाह खान टीम के साथ या इसी कॉम्बिनेशन के साथ आप जाएंगे? देखिए आप अभी एक मैच के बाद नहीं डिसाइड करते, आप इस कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं और वो करके भी दिखाएगा, आसिफुल्लाह भी बिल्कुल जिस तरह वो परफॉर्म करता आ रहा है और वो काफ़ी क्लीन है, मैं जब भी उसको देखता हूँ कुछ ना कुछ अपनी जो प्रिपरेशन है उसमें लगा रहता है, कभी कीपिंग करता है, कभी बैटिंग करता है, कभी फील्डिंग करता है, तो देखें वो रेडी है, डिपेंड करता है कि क्या कंडीशन के साथ जाते हैं, कंडीशन के साथ जाते हैं और किस फ्रेंचाइज के अगेंस्ट मैच है उस हिसाब से कम्बिनेशन अपना।